हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव वाइज। मेरा नाम आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 31 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है हमारा शॉर्ट एंड ऑफ स्टिक, माइग्रेंट वर्कर्स हु सिंपली कैन नॉट फाइंड फॉर देमसेल्व्स नीड अर्जेंट स्टेट असिस्टेंस। माइग्रेंट वर्कर्स जो खुद को नहीं खिला सकते, उनको राज्य की, सरकार की बहुत बहुत ज़रूरत है। एक सप्ताह हो गया जब से लॉकडाउन मेजर्स अनाउंस हुए हैं सार्स कोव टू को रोकने के लिए, लेकिन अब तक जो किया गया है वो एक तरीके से हेल्थ चैलेंजेस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंसानियत की जो क्राइसिस है वो निकल के आ रहा है, खासकर कि पुअर जो सेगमेंट्स हैं उनमें। जो सबसे अफेक्टेड सेक्शन है वो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। इंटर स्टेट जो माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटी है, जिनमें हजारों लोग दिल्ली को छोड़ के यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार इधर जा रहे हैं, देयर प्लाइट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं है कि कभी सोचा नहीं था, ऐसा था लॉकडाउन होते ही ये लोग अपने घरों की ओर जाते, ये बात सरकार को पता थी, आपको भी पता थी और इनको भी पता थी। लॉकडाउन हुआ, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो रोज का पैसा कमाते हैं 100-500 हज़ार, जो दिहाड़ी दिन की जो है वो करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल और जो जॉब्स हैं, जैसे कुछ आपके अनऑर्गेनाइज्ड जॉब्स हो गई, साफ सफाई वाली जॉब्स हो गई, ऐसी जॉब्स जो कि सरकार के कानूनों के अंदर नहीं आती, उनको बहुत एडवर्सली सीवरली इफेक्ट हुआ। और वे लोग सोचे कि अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अपने घर की ओर जाते हैं, अपने शहरों की ओर, टाउन की ओर, गाँव की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही थी। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि 21 दिन तक उनके पास खाने को, रिसोर्सेज रहने को कहाँ से आएगा, पीने को, और रहने को तो खैर घर था और वहीं वो निकल रहे थे। फिजिकल डिस्टेंसिंग ऐसे देश में जहाँ पे मोस्टली लोग अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, हमारे देश के 70-80% जो पीपल हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में आते हैं, और वो बेसिकली डेली और हावरली वेज तक में काम करते हैं, एक घंटे की वेज में काम करते हैं, उनको कहाँ से खाना पीने की व्यवस्था जो है होगी। मार्च 24 को जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 8 बजे अनाउंस हुआ, 12 बजे तक ये लागू हो गया। 4 घंटे का जो नोटिस दिया गया, ये इन लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या करें, यहाँ रह के जाएँ, और यहाँ रहेंगे तो सरकार हमें कितनी मदद कर देगी। देयर एक्सोडस, एक्सोडस यानी एक साथ जो लोगों की भीड़ उमड़ती है, एक्सोडस वो पैर, नंगे पैर आए हाईवे से, बच्चे छोटे छोटे निकलते गए, और कुछ अथॉरिटीज़ का दिल जो है पिघला, उन्होंने बस सर्विस स्टार्ट की, लेकिन फिर जो है रोक दी गई। गृह मंत्रालय ने स्टेट्स को नोटिसेस भेजे कि हाईवे रिलीफ कैंप्स ओपन करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखो इनके बीच में, लेकिन फिर मिनिस्ट्री ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डायरेक्ट किया कि लॉकडाउन स्ट्रिक्टली करो, शहरों को जो है छोड़ने मत जाने दो, इन्हें टेम्पररी जो शेल्टर्स है वो इन्हें दो। ये ऐसा नहीं कहा गया कि टेम्पररी शेल्टर्स दो, कि लॉकडाउन रहे और शहर ना छोड़ के जाए, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई घर बनाए गए, शेल्टर्स बनाए गए, जहाँ आए वहीं रहे। बस सर्विस भी रोक दी गई, खाने पीने को भी नहीं बोला गया, और ये और बोला गया कि लॉकडाउन रहे। अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे तो सबसे बड़ा चैलेंज यही आ गया ना। तो ये जो स्टेप्स है ये तभी काम कर सकते हैं जब ह्यूमेन मैनर में अगर इम्प्लीमेंट हो। तो इस तरीके से फैमिलीज आएंगी और उनको क्वारंटाइन कैंप्स में अगर भेजा जाएगा, तो वो जो और है वो भी छोड़ छोड़ के अपने जो है आ जाएंगे कि चलो अपने देश, अपने जो है राज्य की तरफ चल पड़ते हैं। गवर्नमेंट्स को, विद्यालयों को और कॉलेज हॉस्टल्स को यूज़ में लेना चाहिए। जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एपी सेंटर बन रहा था, उसमें रिजॉर्ट होटल तक को जो है यूज़ में ले लिया गया। तो रिसोर्सेज तो बहुत हैं, कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्टल्स, ये सब को यूज में लो, वहाँ इन माइग्रेंट्स को रुकाओ, खाने पीने का इंतजाम करो, पीडीएस का इंतजाम करो। तो माइग्रेंट वर्कर्स का जो सफरिंग है ये दर्शाता है किस तरीके से सरकार तैयार नहीं थी कोविड 19 से लड़ने के लिए। पहला जब इंडियन इफेक्ट हुआ था जनवरी में, तो धीरे धीरे फैलता गया, चाइना के बाहर भी फैलता गया, इटली में तो हालत ही जानते हो, काफ़ी समय था भारत सरकार के पास कि वो तैयारी कर सके, स्टेट्स के साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, बातचीत कर सके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, कि अपोजिशन, जैसे अभी बस सर्विस वाली जो लफड़ा हुआ अभी माइग्रेंट्स का, उसमें यूपी सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था,
दोनों अपोजिशन पार्टी के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। तो ये जो है ये दोनों को मिलकर आना पड़ेगा, अलग अलग पार्टीज़ को ऐसी सिचुएशन में अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साथ साइड में रख के, राइवलरी साइड में रख के बातचीत करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। देखा गया है पिछले कुछ सालों में ये जो प्रथा थी, एक टाइम था जब अपोजिशन पार्टी के मेंबर को भेज दिया जाता था किसी फॉरेन मिशन पे, जो रूलिंग पार्टी होती थी वो अपोजिशन पार्टी के किसी एक्सपर्ट को किसी मिशन के लिए भेज देते थे। आज अपोजिशन पार्टी जो अलग अलग सरकारें हैं राज्यों में, वो बातचीत भी नहीं करती, और इसी का नतीजा है जो माइग्रेंट्स फंसे रह गए। और केंद्र सरकार के पास टाइम था तो राज्यों के साथ वो कोऑर्डिनेशन करके ट्रांसपेरेंट अप्रोच अपना के लोगों को तैयार करवा सकती थी इस लॉकडाउन के लिए। इन्फेक्शंस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को भी सोल्व करें और लॉकडाउन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी सोल्व करें, लेकिन जो भी हो सकता है वो हुआ, जो करना है अब उस पर फोकस किया जाए। अनयूजुअली इनेप्ट यूएस की बात हो रही है, जो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी यूएस ने दिखाई है। शुरू में इसने 100 टेस्ट किए और शुरू में टालते रहे ट्रंप जो है स्टॉक मार्केट्स की कदर करते रहे कि स्टॉक मार्केट्स ना गिरे, और इन्होंने अभी भी कम्प्लीटली लॉकडाउन नहीं किया, कम्प्लीटली इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, और इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यूएस ने जो है टेस्टिंग अब प्रोग्रेसिवली करनी स्टार्ट कर दी, पहले तो 100 जो है टेस्टिंग करता था, तो जब तक ये फैलता गया तो यूएसए को लगा कि वैक्सीन बन भी जाएगी, यूएसए को लगा सब कुछ सही भी हो जाएगा, लेकिन देखा तो सब कुछ एडवर्स हो रहा है। यूएसए ने हाल ही में अलग अलग कंट्रीज़ के लिए 170 मिलियन डॉलर का जो है यहाँ पे असिस्टेंस भी देने की कोशिश की है। भारत को करीब पता नहीं कितना 2 या 3 मिलियन जो है देने की घोषणा की है यूएस की तरफ से, अच्छी बात है। लेकिन यूएस को अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति और अच्छे से निभानी चाहिए। ये कर्नाटका की बात हो रही, स्टॉपिंग द स्प्रेड एंड कैनफिंग फॉर लाइव्स। पहले केरला का आर्टिकल आया, फिर कर्नाटक का आर्टिकल आया, केरला के चीफ मिनिस्टर ने आर्टिकल लिखा था 2 दिन पहले, और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है। इन्होंने लिखा है किस तरीके से कोविड-19 इन्होंने हेल्पलाइन लॉन्च की, 24 घंटे काम करती थी, 7 दिन काम करती थी, हर दिन 3000 कॉल्स ही आई थी हेल्पलाइन। इन्होंने मोबाइल सिस्टम जो है स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इन्होंने जो है एक सर्विलियंस डाटा इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, वार रूम इन्होंने बना दिया। वार रूम क्या कर दिया इन्होंने, एक तरीके से एक वार रूम समझते हो कि जहां से सब कुछ ऑपरेशन कंडक्ट हुए। तो कुल मिला के इन्होंने जो क्वारंटाइन जो लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है उनके GPS लोकेशन चेक करने लग गए, भाई जो लोग घरों में जिनको क्वारंटाइन किया गया है जिनके सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन विदेश से आए हैं वो कहीं बाहर ना निकल जाए। तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, हेल्पलाइन इन्होंने लॉन्च की। तो कुल मिला के इन्होंने जिस हिसाब से काम किया उसका रिजल्ट आपको आने वाले कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा। इन्होंने भी स्कीम निकाली है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। द हंट फॉर अ क्योर बिगिंस विद टेलिंग द ट्रुथ, GS4 एथिक्स का ये बहुत आपको कंटेंट देने वाला है। ट्रुथ की बात हो सकती है, सच्चाई की, क्योंकि कई बार हमने देखा कि लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया, कुछ सेलिब्रिटीज़ लॉकडाउन को जो कि एयरपोर्ट, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे थे जो कि काफ़ी फेमस भी हुई थी वे कि लॉकडाउन तोड़ के एयरपोर्ट से बिना चेकिंग के बाहर आ गई थी, ऐसा उन पर आरोप लग रहा था। ग्लोबल पेंडेमिक को हम सब देख रहे हैं, अनब्लिंकिंग आइज से देख रहे हैं, यानी बिना झपझपाए हम उसको देख रहे हैं, चौकन्ने होकर देख रहे हैं, और कई बार हमको ये बार बार अंदाजा भी लगा कि सच की ताकत कितनी होती है। जो भारतीय बाहर गए अपनी ट्रेवल हिस्ट्रीज उन्होंने छिपाई, कुछ लोगों ने तो एयरपोर्ट पे पैरासीटामोल खा लिया ताकि बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए और ऐसा लगे नहीं कि इनको फीवर है, क्योंकि फीवर हो तो रख लेते भैया, तो टेस्ट को उन्होंने बाईपास कर दिया। ब्यूरोक्रेट्स, कुछ तो डॉक्टर्स भी ऐसे थे जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को क्वारंटाइन से बचने के लिए जो है इधर उधर के काम किए, मतलब क्वारंटाइन से भगवा दिया। कुछ थे डॉक्टर, सारे नहीं, कुछ थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, ऐसा राइटर लिख रहे हैं। जर्नलिस्ट पत्रकारों को धमकाया जाता है, मारा जाता है अगर वो सच बताते हैं तो, कि डॉक्टर्स कितने इल इक्विप्ड है, इल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट का रिस्पॉन्स है। तो ये जो डिसहोनेस्टी सरकार और सेलिब्रिटीज़
जो दिखा रहे हैं, जो कुछ लोग हैं, क्या ये परिणाम ला सकते हैं? क्या हम ऐसे पूरी ज़िंदगी, क्या हम ऐसे पूरे देश को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? ट्रूथ इज ऑफन मॉक्ड एज एन इनकन्वीनियंस एज द डोमेन ऑफ फूल्स एंड सेंट्स। सच्चाई को हमेशा कहा जाता है कि सच्चाई जो है वो मूर्खों की एक वो है खासियत, क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि जो आदमी शातिर है, चालाक है, उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो आदमी इंटेलिजेंट है वो झूठ बोलेगा, छुपाएगा, धोखा देगा, उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, और जो सच बोलता है उसको बेवकूफ़ और भोला माना जाता है। हम डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रोटेस्ट में गांधी का नाम लेते हैं, सच्चाई का नाम लेते हैं, लेकिन इनके कोर प्रिंसिपल्स हम भूल जाते हैं। हमारे देश के नेता, सेलिब्रिटीज़ गांधी की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, लेकिन वो सच्चाई जो है उसका कोर प्रिंसिपल भूल जाते हैं। गांधी जी की मृत्यु के बाद सच धीरे धीरे से हटता चला गया, आज तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। पॉलिटिशियंस वादे कर जाते हैं और कुछ भी वादा करने पूरा नहीं करते, और फिर भी जो है जनता उनसे खुश रहती है। पीस एक्टिविस्ट को टेररिस्ट बताया जाता है, डॉक्टर्स को कई महीनों तक जेल में बंद रखा जाता है, तब अगर वो कई बार केसेस देखे गए थे, ये मुझे सिचुएशन याद नहीं आ रही कौन से केस की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा गया कि डॉक्टर्स को जो है वो कुछ बताने के लिए, जो हमारे वल्नरेबल की सेवा करने के लिए, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। जैसे चाइना का एग्जाम्पल मैं बताऊँ, चाइना में जो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने इसके बारे में खुलासा किया था कोविड-19 के बारे में, उनको धमकाया गया, मारा गया, उनको जो है प्रेशर दिया गया। आज भी हमारे बीच नहीं है क्योंकि कोंगो पॉजिटिव आ गया था। फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, कंपनियों को, और कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट बचा रही है सरकार, झूठ है। कब लास्ट टाइम जो अपने आपके लीडर्स ने संसद में खड़े होकर माफ़ी मांगी थी कि हमने जो है आपको मिसलीड किया, झूठ बताया? इसको हम पाप के तौर पर भी नहीं देखते, ये झूठ बनता चला गया, हमारी जिंदगियों में बनता चला गया। ठीक है, तो ये बात और ये ट्रुथ की कि पॉलिटिशियंस जो हैं, डिसोनेस्टी जो फैल रही है, ये इसका परिणाम ये है कि जो सेलिब्रिटी है वो उसने एयरपोर्ट में टेस्ट ना करवा के वहाँ से भाग के आ गई। लोग पैरासीटामोल खा रहे हैं, परवाह नहीं है लोगों को दूसरे लोगों की, जनता में डिसोनेस्टी फैल रही है। पब्लिक कैरेक्टर को बनने में सालों लग जाते हैं, पीढ़ियाँ लग जाती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी लीडर्स हों जो ईमानदारी का प्रिंसिपल लाएँ। जैसे इस पर इंडिया ने 1.28% अपनी GDP हेल्थ पे खर्च की। एक डाटा ये भी है कि 2014-15 में हेल्थ बजट 20% तक सिकुड़ गया। तो सच्चाई है कि हमने हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए हमने इतना कुछ किया नहीं, गरीबों के लिए हमने कुछ किया नहीं, हॉस्पिटल्स हमने बनाए नहीं। तो ये सब देखते हुए अगर हम फिर भी ये बतलाने की कोशिश करें कि हम सही कर रहे हैं, तो हम सच से अलग जा रहे हैं। ये इस आर्टिकल का मेन मकसद है। केरला को देखो, क्यूबा को देखो, साउथ कोरिया को देखो, उन्होंने पेंडेमिक से किस तरीके से काम किया। उन्होंने बिना किसी डर के टेस्टिंग अग्रेसिवली शुरू कर दी। उन्होंने पता है केस ज़्यादा आएंगे, लोग नाराज होंगे, साउथ कोरिया से लोग डर जाएंगे, बदनाम होएगा साउथ कोरिया, लेकिन अल्टीमेटली रुक जाएगा। भारत को कास्ट, क्लास और रिलीजियस बायसेस छोड़ने पड़ेंगे, तभी हम आगे होनेस्टी की तरफ, सच की तरफ बढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल कहना चाहता है। लॉकिंग डाउन, ये देखो टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इंडिया, ये बात हो रही है किस तरीके से जो है टेस्टिंग हमारे यहाँ पे हो रही है। हमारे यहाँ पे लैब्स की कमी तो है ही, और लैब्स को सेंक्शन कर भी दिया है, प्राइवेट लैब्स को भी अब जो है अलाउ कर दिया गया है। लेकिन प्रिलिम्स के ऑब्जेक्टिव से मैं आपको बता दूँ, ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। देखो वायरस को जीन सीक्वेंस कैसे किया जाता है, जो DNA होता है उसको सीक्वेंस किया जाता है, सीक्वेंस मतलब डिकोड किया जाता है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो पढ़ा जाता है, किस तरीके से बनाया, क्या स्ट्रक्चर है इसका DNA का, तब हमसे वैक्सीन बनती है। कोविड-19 एक RNA है, तो सबसे पहले उस RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाएगा। आप बोलोगे RNA को क्यों इतनी सीक्वेंस कर देते, क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रेन है, पेयर नहीं है, डिकोड पेयर को किया जा सकता है। तो RNA को पहले DNA में कन्वर्ट करेंगे, DNA को सीक्वेंस करेंगे, और इसके लिए एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, बेसिकली DNA की कई कॉपीज़ को बना देती है,
एक तरीके से आप समझ लो फोटोकॉपी जो होती है ना दुकान पे, मिलियंस ऑफ कॉपीज ये बना देती है। तो इससे क्या है कि सैंपल पे सैंपल सैंपल पे सैंपल बढ़ते चले जाता है। तो ये फिल्म्स को ऑब्जेक्टिव से आपको याद रखना है, बाकी जो है आपको कोई भी अगर आता है तो मैं आपको समझाता रहूँगा। लॉकडाउन टू डिफरेंट इंडियंस इंडियाज, क्या संभावनाएं बन रही थी कि हमने 4 दिन का जो लॉकडाउन है वो अनाउंस किया, 4 घंटे का नोटिस हमने दिया 21 इतने दिनों के लॉकडाउन के लिए। हमारे लोग घरों में रह गए और ज़रूरत भी ये थी कि लोग घर में रहें। अगर ये ऑब्जेक्टिव सरकार का भी था तो राइटर कह रहे हैं कि ये फेल हो चुका। लाखों माइग्रेंट लेबर छोड़ छोड़ के अपनी जगहों को घरों की तरफ भटने लगे, चलते चलते सोते सोते गर्मी में धूप में बारिश में खुले में रात में दिन में, पुलिस से घबराते हुए ट्रक्स में देखा गया 300-300 लोग जा रहे हैं। कुछ को परेशानी झेलनी पड़ी, कुछ चलते गए। राइटर कह रहे हैं कि लार्जेस्ट मैनुअली इंड्यूस्ड डिस्ट्रेस माइग्रेशन है आज़ाद भारत में, इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। COVID-19 एक डिज़ास्टर है जो पहले से वार्निंग इसने पूरे देशों को मिल गई थी, खास करके भारत को तो अच्छे से टाइम मिल गया था, लेकिन फिर भी हमारा जो डिसीजन था लॉकडाउन का वो आर्बिट्रेरी अनप्लैंड और इल प्रिपेयर्ड था, राइटर के विचार रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 8 बजे लॉकडाउन अनाउंस किया तो उन्होंने जो है रिलीफ मेजर अनाउंस नहीं किया उस टाइम पे, हालांकि बाद में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है वो काफ़ी राहत गरीबों के लिए लाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो हुआ उससे अनसर्टेनिटी कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी उन लोगों को आई जो तैयार नहीं थे। आप और मैं तो घरों में पहले ही बनते, बाद में भी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, दिन दिहाड़ी काम करते हैं, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, वो कैसे करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो बंद कर दिया गया, यूनिलेटरल लॉकडाउन जो हुआ, मिलियंस ऑफ माइग्रेंट लेबर वहीं रह गए जहाँ उनको रहना था। अब खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती? नौकरी से उनको निकाल दिया, कुछ लोग तो फैक्ट्रियों में सोते हैं, मजदूर तो फैक्ट्रियों में सोते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे तो कहाँ सोएंगे वो? एक साथ मजदूर रह नहीं सकते, लॉकडाउन है तो घरों की तरफ जाएंगे, सिंपल सी बात है ना, ये तो क्लियर क्रिस्टल बात है। प्रिडिक्शन जो हुए काम नहीं हुआ, गारंटी नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप वहीं रहो आपको खाना पीना रहने की व्यवस्था मिलेगी। उनको लगा कि मेरा घर बस वहीं है जो मैं जाऊँगा, चाहे सरकार कुछ दे नहीं दे। उन्होंने कोशिश की कि या चलो पैदल चल जाते, थोड़ी दूर तो सही लेकिन चलते हैं देखते हैं क्या होता। पॉलिसी मेकर्स और जो रूलिंग इलाइट है, जो पॉलिसी बनाने वाले और जो राज करने वाले, उनको एक ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स की ज़िंदगियाँ कैसे होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी और अनकोऑर्डिनेटेड, जो विरोधाभासी और जो अनकोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए साथ के साथ मुश्किलें और बढ़ती गईं। दिल्ली सरकार हो चाहे वो यूपी सरकार हो, बस सर्विसेज इत कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं था, बस सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया, ऑर्डर्स रिवोक कर दिए गए, फिर जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, मैंने बताया आपको कि क्वारंटाइन के ऑर्डर इशू कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की। ये लॉकडाउन एक तरीके से एक रिस्पॉन्स था हमारी रूलिंग पार्टी का कि वो विक्टिम ना बन जाए, उन पर बदनामी ना हो जाए कि वायरस को रोक ना सके, लेकिन प्लान ढंग से नहीं बनाया गया। प्लान ऑफ एक्शन जो है वो कंडीशंस बिना कंडीशंस के देखे बनाया गया, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम होगा। आज 2 तरह के इंडिया निकल के आए हैं, आप मैं और वो मजदूर और दूसरा जो, अब आप देखो कि विदेशों से मैं भारतीयों को लाने में पैसा लगा, टाइम लगा, प्लानिंग लगी, हमारे देश के अंदर जो मजदूर हैं उनको बिल्कुल भी उन पर ख्याल नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि वो मजदूर हैं, पैसा नहीं कमाते और रेमिटेंस नहीं भेजते, इसलिए। तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ा, पुअर पे पड़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे पड़ा, और लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, तोड़फोड़ नहीं की, शांति दिखाई, गांधी जी के मार्ग पे चले, केवल वो घर जाना चाहते थे, बस उनको घर जाना था। लॉकडाउन का वीक हो गया और इंडिया में देखा गया किस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई, इनकम सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड नहीं था,
और लोग यहाँ पे चलते गए राज्यों में, अलग अलग चलते गए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी का जो रिस्पांस था और ये जो चीज़ें निकल के आई, माइग्रेंट वर्कर्स निकलते चले गए, सब सैनिटेशन वर्कर्स को ढंग से मास्क वास्क नहीं दिए गए, साबुन वगैरह नहीं दिए गए, इल इक्विप्ड यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, तो मज़दूरों की तो बात ही छोड़ो, पुअर पीपलों की बात ही छोड़ो। ये कोट आप कभी भी कोविड 19 की बात आए, लॉकडाउन की बात आए या क्वारंटाइन की बात आए, लोग ये कोट जो है आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। देयर कैन बी नो सोशल डिस्टेंसिंग विदाउट सोशल सिक्योरिटी। इस राष्ट्र को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं हो, और इस राज्य को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए अपनी इनइक्वालिटीज़, अपनी जो अनकोऑर्डिनेटेड जो अप्रोच है उसको हटाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों को अफेक्ट किया है, आइसोलेशन से इनइक्वालिटी और बढ़ गई है। हम जहाँ रहते हैं वहीं हम मरे, साथ में मरे, इस दुनिया साथ में चले, साथ में आगे बढ़े। ये है थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। इसमें बात हो रही है ग्लोबल फूड चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है, अब उसको अलाइव रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ भी जिनका हमारे पास तो फूड स्टॉक पड़ा है, एक्सेस में पड़ा है, जितना करना चाहिए था हम तो कर लेंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज़ क्या करेगी। तो यूएसए ने भी अनाउंस किया भारत को मदद करनी चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन बनी रहनी चाहिए, डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, चाइना को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तो वायरस फैला ही है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।